फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हमास की कार्रवाइयों से इजहार लातालुकी कर दिया है। एक बयान में फलस्तीनी सदर का कहना था कि हमास की कार्रवाइयां फलस्तीन की पॉलिसियों और आवाम की तर्जुमानी नहीं करती। PLO ही फलस्तीनियों की नुमाइंदा तंजीम है, दोनों तरफ से अरगवालियों और कैदियों को रिहा करना चाहिए। फलस्तीनी सदर का कहना था कि हमास की कार्रवाइयां फलस्तीन की पॉलिसियों और आवाम की तर्जुमानी नहीं करती। PLO ही फलस्तीनियों की नुमाइंदा तंजीम है, दोनों तरफ से अरगवालियों और कैदियों को रिहा करना चाहिए। फलस्तीनी सदर का कहना था कि हमास की कार्रवाइयां फलस्तीन की पॉलिसियों और आवाम की तर्जुमानी नहीं करती। PLO ही फलस्तीनियों की नुमाइंदा तंजीम है, दोनों तरफ से अरगवालियों और कैदियों को रिहा करना चाहिए। फलस्तीनी सदर का कहना था कि हमास की कार्रवाइयां फलस्तीन की पॉलिसियों और आवाम की तर्जुमानी नहीं करती। PLO ही फलस्तीनियों की नुमाइंदा तंजीम है, दोनों तरफ से अरगवालियों और कैदियों को रिहा करना चाहिए। फलस्तीनी सदर का कहना था कि हमास की कार्रवाइयां फलस्तीन की पॉलिसियों और आवाम की तर्जुमानी नहीं करती। PLO ही फलस्तीनियों की नुमाइंदा तंजीम है, दोनों तरफ से अरगवालियों और कैदियों को रिहा करना चाहिए। फलस्तीनी सदर का कहना था कि हमास की कार्रवाइयां फलस्तीन की पॉलिसियों और आवाम की तर्जुमानी नहीं करती। PLO ही फलस्तीनियों की नुमाइंदा तंजीम है, दोनों तरफ से अरगवालियों और कैदियों को रिहा करना चाहिए। फलस्तीनी सदर का कहना था कि हमास की कार्रवाइयां फलस्तीन की पॉलिसियों और आवाम की तर्जुमानी नहीं करती। PLO ही फलस्तीनियों की नुमाइंदा तंजीम है, दोनों तरफ से अरगवालियों और कैदियों को रिहा करना चाहिए।